गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर एंड नॉमिनल कवर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ आपका क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास एक कॉलम है, इसका आप स्टार्टर चेक कर सकते हैं। स्टार्टर में आप अगर बात करूँ मैं इसकी क्लियर कवर की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कवर होता क्या है। जो आपकी ये स्टीरअप्स दिख रही है, स्टीरअप के आउटर फेस से जो आपका स्टार्टर का आउटर फेस है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर कवर हो जाएगा दोस्तों ये आपकी। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, जैसे कि आपका कितना आ रहा है फिलहाल। अभी यहाँ पर आप देख सकती हो, जो आपकी मेन इन्फोर्समेंट से जो आपका स्टार्टर का आउटर फेस है, आप इसमें चेक कर सकते हो ये आपकी कितनी आ रही है। करीब ये आपकी 48 mm आ रही है, ये आपकी 48 mm आ रही है, मतलब कि आपका 8 mm का स्टीरअप से ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 48 में से अब 8 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 40 mm का आपका ये क्लियर कवर आ गया। अगर बात करें हम इफेक्टिव कवर की, तो इफेक्टिव कवर आपका क्या होता है, जो आपका कॉलम का या स्टार्टर का आउटर फेस है वो प्लस आपकी जो मेन इन्फोर्समेंट आ रही है, जो भी है, जैसे मेन इन्फोर्समेंट आ रही है आपकी ये चीज़, ये इसके सेंटर से आपका जो स्टार्टर का आउटर फेस है, ये आपका इफेक्टिव कवर हो जाता है। तो कितना आ जाएगा इफेक्टिव कवर आपका, यहाँ से लेके आपकी कितनी 48 mm प्लस 16 mm, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी जो आप 20 mm बार है आपका दोस्तों, जो आपकी मेन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की है, ये 20 mm डायेगा। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 mm। तो आप 48 प्लस 10 करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 58 mm आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कवर हो जाएगा। अगर बात करें हम नॉमिनल कवर की, कि नॉमिनल कवर आपका क्या होता है, कि नॉमिनल कवर आपका सेम ही जितना आपका क्लियर कवर होता है वही आपका नॉमिनल कवर आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।